नमस्कार। आज हमारे पास एक वीवो Y95 का TMMC है जिसको कि हम आपको रिपेयर करके दिखाएंगे। ये हैंडसेट लोगों पे रुकी हुई है, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी हमारे पास एक कार्ड है जो कि हैनेक्स की कार्ड है, उसको मैं सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ। इस कार्ड के कुछ इन्फॉर्मेशन निकले हैं, ये इन्फॉर्मेशन को अगर आप देखेंगे तो देखने से लग रहा है कि ये हमारा परफेक्ट है 1807 वीवो Y95 मॉडल है ये, ठीक है। इसका जो है इन्फॉर्मेशन, ये सही इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, 0x38 सही है। जैसे कि अगर हम इस चीज़ को देख करके हम अगर नोटिफाई करें कि हमारा ये कार्ड चल जाएगा फ़ोन में, तो आप गलत हैं। जैसा कि आप इसका हेल्थ रिपोर्ट चेक करेंगे तो देखिए हेल्थ रिपोर्ट भी इसका क्या बताता है, ठीक है। हेल्थ रिपोर्ट में भी हमारा कोई एरर नहीं है, 40-50% एक पार्ट है और 0-10% एक पार्ट है, तो इतना में हमारा कार्ड चल जाएगा। तो लेकिन फिर भी ये फ़ोन नहीं चल रहा है क्योंकि ये फ़ोन जो है हमारे 40-50 पे अटक रहे हैं, यानी स्टक हो रहे हैं, 40-50 पे ये रुक रहा है फ़ोन। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम है हमारी कार्ड की। इस चीज़ का कंफर्मेशन आप सिर्फ एक हेल्थ रिपोर्ट या फिर फर्स्ट लॉग इन्फॉर्मेशन पे नहीं ले सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक नेक्स्ट टेस्ट और करना पड़ेगा जिसमें ये चीज़ क्लियर हो पाएगा। हम लोग इतना देख करके तुरंत डिसीजन ले लेते हैं और कार्ड को बैठा देते हैं, फिर हम लोग CPU की तरफ आगे बढ़ जाते हैं काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा CPU सही होता है। उस कंडीशन में आपको नैन टेस्ट लेनी है। आप नैन टेस्ट लेंगे तो नैन टेस्ट हमें ये देखिए हमारा ये पार्ट को एरर दिखा दिया कि ये जो पार्ट है ये हमारा एरर है। लेकिन अगर आप इसी जगह पे इसी अटैक बॉक्स का आप इस्तेमाल करते तो वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में ही आपको दिखा देता कि इस कार्ड की प्रॉब्लम कहाँ है, हेल्थ यूजर डेटा वो शो कर देता है इजी अटैक। बट ये UFI है, इसमें आपको एक स्टेप में प्रॉब्लम ना दिखा, दूसरा में ना दिखा, तो तीसरा स्टेप तक आपको आगे बढ़ने हैं। इसीलिए हम लोग अगर ओनली फॉर यूट्यूब पे देख करके सीखते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम एक स्टेप दो स्टेप दिखा करके छोड़ देते हैं, तीसरी स्टेप का आपको पता नहीं लगता है। लेकिन यहाँ हमने हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप आगे किया तो यहाँ पे ये एरर है, ठीक है। इस तरह के कंडीशन में हमें सबसे पहले अपनी कार्ड की बैकअप ले लेनी है। तो सबसे पहले हम इसका बैकअप ले लेंगे इस चीज़ को सुधारने से पहले, नहीं तो सारा सिक्योरिटी डेटा डिलीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका हम बैकअप ले लेते हैं। और एक तरीका और है कि आप चाहते हैं कि आपको हैंडसेट फ्लैश ना करना पड़े तो उस कंडीशन में आप यहाँ से एक्सक्लूड यूजर एरिया इसका ले लीजिए, ये एक्सक्लूड यूजर डेटा, इस चीज़ का आप यहाँ से बैकअप ले लीजिए। और हो सके तो RPMB भी अगर बैकअप निकलता है तो इसका भी बैकअप ले लीजिए। और एक चीज़ आप नोटिस करते होंगे, अभी हमने इसमें ISP नहीं कनेक्ट किया है, हमने इस पर अभी एडाप्टर के थ्रू कार्ड को रीड किया है तो 1.66 Mbps का स्पीड मिल रहा है, यानी काफ़ी स्लो स्पीड है। इसको रीड होने में 1 hour 13 minutes लगेंगे, ठीक है। तो ये जो स्पीड है ये स्लो इसलिए है क्योंकि इसकी ना यूजर डेटा डैमेज है, यूजर डेटा इसकी डैमेज है, सही नहीं है। उम्मीद है कि ये कंप्लीट रीड नहीं होगा, कहीं ना कहीं जा करके ये एरर देगा क्योंकि इसकी यूजर डेटा जो है वो डैमेज है। तो हमारा ये कंप्लीट रीड हो चुका है, इसके बाद हमें सिक्योरिटी ले लेना है। हमारा डंप और सिक्योरिटी ओके है। ठीक है, पार्टीशन हमारा राइट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका लेंगे हेल्थ रिपोर्ट। सही है, नैन प्रॉब्लम हमारा नैन टेस्ट में आ रहा था, यहाँ एरर था, यहाँ देखिए ये पार्ट जो था हमारा एरर, ये अब वेरीफाई हो चुका है, ठीक है।
अब ये वेरीफाई हो चुका है, तो अब ये कार्ड हमारा काम करेगा। ओके, ये हमारा बन चुका है। अब हमें इसमें जो हमने डंप लिया है वो डंप राइट कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यही यूजर पार्ट हमारा राइट होने में 12 एमबीपीएस का स्पीड दे रहा है, शुरुआती जबकि वो 2 एमबीपीएस पे था। ठीक है, ये देखिए 12 एमबीपीएस का स्पीड दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी कार्ड में जो है जो भी पार्टीशन एरर थे वो सुधर चुका है। ये राइट होने में टाइम लगेगा 8 मिनट। तो इन्फॉर्मेशन आ चुका है, इसके बाद सिक्योरिटी राइट कर लेंगे। तो अब हमारा कार्ड जो है कम्प्लीटली ओके हो चुका है, अब हम इसे फ़ोन में लगा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर था किसी भी कार्ड को रिपेयर करने का। इससे पहले भी मेरे कई सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे, इसी तरह से मैं कई सारे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको काफ़ी सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और हमारी क्लास को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, या दिए गए ग्रुप में लिंक है उसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप से।